मिट्टी के बर्तन बनाना उन पेशों में से है जो आज आधुनिकता के आगमन के साथ कश्मीर घाटी में सबसे अधिक नुकसान झेल रहे हैं। कश्मीर घाटी एक ऐसा स्थान है जो अपनी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के लिए जाना जाता है और मिट्टी के बर्तनों को प्रख्यात शिल्पों में से एक माना जाता है। हर दिन जैसे जैसे घाटी आधुनिकता की तरफ कदम रखती जा रही है, मिट्टी के बने बर्तनों को दैनिक उपयोग में जगह बनाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लोग इन दिनों प्लास्टिक या स्टील के बर्तन पसंद करते हैं। इसने न सिर्फ कश्मीर घाटी की पारंपरिक जीवन शैली को बदल दिया है, बल्कि अगर बात करें तो पारंपरिक कुम्हारों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। इसी के दौरान जो है एक पेशेवर कुम्हार अब्दुल अहमद से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पेशे को अब आगे बढ़ाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा या वे अपने पैतृक वंश में अंतिम हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो मध्य कश्मीर के गांधरबल जिला के कंगन की ये निवासी हैं और मिट्टी के बर्तन बनाना इनकी तरफ से बताया गया कि इनके परिवार का सदियों से पैतृक व्यवसाय रहा है और ये काम ये बचपन से कर रहे हैं। परंतु अब अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, साफ हो रहा है कि इन मिट्टी के बर्तन कहीं न कहीं लुप्त होते जा रहे हैं या कह सकते हैं कि ये खो रहे हैं। आज मार्केट के अंदर अलग अलग फैशनेबल बर्तन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से इनके मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पर गुजारा मुश्किल है। अब इन्होंने एक तरफ सरकार से भी मांग की है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो इन बर्तनों के लिए कोई भी समर्थन नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई योजना जो है वो शुरू की गई है कि हम इन अपनी आजीविका को कमा सके। इन्होंने कहा कि अब इसके लिए जरूरी है कि लोग जो है वो अपना समर्थन दिखाए, साथ ही साथ सरकार भी कुछ कदम उठाए। अब देखना ये है कि क्या सरकार जो है इनकी गुहार सुनती है या नहीं। मेरा नाम है अब्दुल कुमार, उसका है हबीबुल्ला कुमार, रेजिडेंट है बारोला कंगन, तहसील कंगन। हमारे हमको गया ये तकरीबन 30 साल 35 साल हो गया ये काम करते हुए। अभी मेरा जातक है, बच्चा है, वो भी सब काम करते हैं। यही हमको बेसिकली ये कारोबार है सर। इस वक्त डिमांड नहीं इन बर्तनों, मिट्टी का बर्तनों का डिमांड नहीं है इस वक्त। ये डिमांड तो ख़त्म हो गई है। बाजार में भी नहीं डिमांड है इनको, और यहाँ पर भी नहीं डिमांड है। हाँ सर, अगर वो इस काम की तरफ तवज्जो देंगे तो ये काम करेंगे अच्छी तरीके से। इनको करना कुछ, इनको कुछ हेल्प करना है कि इनको ये काम आगे चलाना बहुत मुश्किल है, मगर इनको चलाना है अभी तो कुछ से जाएगी आगे। मेरा नाम है रियाजम कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस बार तवज्जो नहीं दिया, बहुत तवज्जो नहीं दिया। अपना ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं, जितना पीछे उतना अहमियत नहीं देते हैं। आज बहुत तवज्जो देते हैं और इसमें जो जरूरत है मटेरियल से सब कुछ तवज्जो, अगर बोलो तवज्जो देगा इस पर काम पे करेगा, सब करेगा ये काम। और सिखाने वाला उतना नहीं है। गांधरबल से रईशा की रिपोर्ट।